हाई मॉमीज, वेलकम बैक टू मॉमकॉम इंडिया। इस वीडियो में हम करेंगे कुछ रियल लाइफ टॉक, ऐसे कुछ चैलेंजेस जो काफ़ी सारी मदर्स आई एम श्योर फेस करती हैं। इस टॉपिक का नाम है पोस्ट पार्टम वेट लॉस, या डिलीवरी होने के बाद हम अपना वेट कैसे लूज करें। नाउ ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये जो वेट लॉस है पोस्ट डिलीवरी, ये मेरे लिए दो एक्सपीरियंसेस मैंने देखे हैं इन माई टू डिलीवरीज। तो जब मेरा बेटा हुआ था 5.5 साल पहले, तब मैंने अपना 15 किलो जो प्रेगनेंसी में गेन किया था वो 6 मंथ्स में मैंने लूज कर दिया, एंड दैट टू वेरी नेचुरली, बिना कुछ ज़्यादा किए। बहुत ही सिंपल चीज़ें करती थी मैं। हाउएवर, मेरी बेटी हुई है अभी 10 महीने पहले, और मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपना वेट लूज करूँ, बट मेरा वेट स्टक हो गया है। आई एम नॉट एबल टू लूज वेट। नाउ व्हेन आई थिंक अबाउट इट, तो ऐसे कुछ चैलेंजेस हैं जो मैं देख रही हूँ दैट क्लियरली डिफरेंट है फ्रॉम द फर्स्ट टाइम वर्सेस द सेकेंड टाइम, जिसकी वजह से मेरा वेट स्टक हो गया है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे, बिकॉज आई एम श्योर आप लोग भी इससे रिलेट कर पाएंगे। हाउएवर, मुझे लगता है कि लाइफ में अगर चैलेंजेस होते हैं तो दैट्स ओके, क्योंकि सबकी लाइफ में चैलेंजेस होते हैं, बट उसका सॉल्यूशन आपके पास होना ज़रूरी है। दैट्स व्हेन दोस चैलेंजेस डोंट मैटर अलॉट। सो गाइस, पहले सॉल्यूशन की बात करते हैं। मैंने ठान ली है कि मैं अपने स्टक वेट को अब लूज करूंगी। मेरी बेटी अब 10 महीने की हो चुकी है, वो मेरी फीड अब नहीं लेती है, वो सॉलिड्स पे भी आ गई है, तो उसकी डिपेंडेंसी ऑन मी हमेशा होना वो कम हो गई है। सो मैंने प्रोफेशनल कोचिंग स्टार्ट करी है विद माई कोच। उनका नाम है बिप्लव, उनका आईडी है रॉक एंड रोल रनर। आप उनसे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे कनेक्ट कर सकते हैं। नूर को कंसीव करने से पहले भी एक बार मुझे वेट लूज करना था, मेरा वेट काफ़ी हो गया था, तो मैंने बिप्लव के साथ ही 6 मंथ्स का प्रोग्राम किया था, जिसमें मैंने 10 kgs वेट लूज़ किया था, और वो भी बहुत ही मिनिमल लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ। तो मुझे कोई ऐसे क्रैश डाइट वगैरह तो वो देते ही नहीं है, बट ऐसा कुछ भी मेजर चेंज नहीं करना पड़ा था, बट इतनी स्मूदली मेरा वेट लॉस हो गया था। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं जो आप देख भी सकते हैं। इनफैक्ट जो लोग मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं वो ऑलरेडी जानते हैं। बिप्लव का एक YouTube चैनल भी है बाय द नेम ऑफ रॉक एंड रोल रनर, जहाँ पे वो काफ़ी सारे वेट लॉस वीडियोस, वर्कआउट्स वगैरह पोस्ट करते थे। हाउएवर, अब उनके पास बैंडविड्थ बहुत कम है, बिकॉज ही हैज सो मेनी क्लाइंट्स, जिसकी वजह से वो वहाँ पे पोस्ट नहीं कर पाते, बट आप उनसे 1-on-1 कोचिंग ले सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपकी रिक्वायरमेंट क्या है वेट लॉस की या वेट गेन की। नाउ मैं जो प्रोग्राम बिप्लव के साथ कर रही हूँ, उसमें मेरे को न्यूट्रिशन प्लान्स मिलते हैं, तो हर हफ्ते मेरे पास एक न्यूट्रिशन प्लान आता है, जो आई कैन टेल यू दैट बहुत ही ज़बरदस्त होता है, बिकॉज उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शंस होते हैं खाने के। एंड साथ में हफ्ते में 3 दिन वो खुद मुझे ऑनलाइन वर्कआउट कराते हैं, बिकॉज आई थिंक नाउ माई बॉडी रियली नीड्स दैट वर्कआउट मोड, जिससे कि मेरा वेट लूज अच्छे से हो सकता है। बिकॉज फूड वाइज, मतलब मैं बहुत ज़्यादा कभी भी नहीं खाती थी, बट माई बॉडी नीड्स दैट वर्कआउट रूटीन। सो डिपेंडिंग ऑन आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विद बिप्लव 1-on-1 एंड डिस्कस। इवन अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स है, जैसे थायरॉयड है, डायबिटीज है, यू नो, यू कैन डिस्कस दैट ऑल्सो, एंड देन ही गिव्स न्यूट्रिशन प्लान्स अकॉर्डिंगली। सो ये तो बात हो गई सोल्यूशन की, एंड सॉल्यूशन पे ऑलरेडी थोड़ा सा जो इम्पैक्ट है वो भी आना शुरू हो गया है, मुझे 2 हफ्ते हो चुके हैं करते हुए। पर अब बात करते हैं चैलेंजेस की। तो सेकंड प्रेगनेंसी के बाद मैंने क्या चैलेंजेस देखे, मेरा वेट लूज क्यों नहीं हो रहा है वर्सेस फर्स्ट, अब मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला डिफरेंस मैंने देखा ब्रेस्ट फीडिंग। तो कबीर के टाइम पे मैं उसको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कराती थी, जिसकी वजह से मेरा वेट मुझे लगता है बहुत ही नेचुरली कम हुआ, बिकॉज ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज़्यादा कैलोरीज आपकी बर्न करता है। नूर के टाइम पे शुरू से ही मैं उसे ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाई, स्टार्टिंग से ही मैं पंप करके अपना मिल्क उसको बॉटल से देती थी। तो पंपिंग क्या होता है, बहुत ही क्विक प्रोसेस होता है, 10-15-20 मिनट में आपका मिल्क पंप हो गया, आपने बेबी को दे दिया। ब्रेस्ट फीडिंग एक लंबा प्रोसेस होता है, जहाँ बेबी भी मेहनत करता है, आपकी बॉडी भी मेहनत करती है। सो दैट इज़ वन मेजर डिफरेंस जो मैं नोटिस करती हूँ। सेकेंड डिफरेंस डेफिनेटली इज एज। 5.5 साल पहले मेरी बॉडी अलग थी, मेरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म अलग था, मेरी बॉडी का रिएक्शन टू इवन अ बेसिक वर्कआउट लाइक वॉक वो अलग था, वर्सेज नाउ, जहाँ मेरी बॉडी काफ़ी यूज टू हो गई है कि इतने सालों से ये यही सब करती आ रही है, एंड नाउ शी नीड्स समथिंग डिफरेंट, एंड तब जाके मैं वेट लूज करूंगी। जो फैट है वो स्टबन हो गया है, यू नो, बॉडी में एनर्जी कम हो गई है, बॉडी अब एज हो रही है, सो उसकी वजह से भी मैं काफ़ी डिफरेंस अब फील करती हूँ, एंड दैट्स व्हाई आई नीड अ स्पेशलाइज्ड प्लान पर माय एज। तीसरा डिफरेंस जो मैंने देखा वो है मटर्निटी ब्रेक।
तो कबीर के टाइम पे मैं कॉर्पोरेट जॉब करती थी, उस टाइम पे अनाउंस हुआ था कि मटर्निटी लीव 6 मंथ्स की हो गई है. तो जब मुझे 6 मंथ्स की लीव मिली थी तब मेरा यूट्यूब चैनल भी नहीं था, तो वो प्रॉपर ब्रेक था. मतलब जब कबीर सोता था तो मैं भी सोती थी, जब कबीर किसी और के साथ खेल रहा होता था तो मैं रेस्ट कर रही होती थी. मैं कबीर को सुबह वॉक पर लेके जाती थी, मैं कबीर को शाम के वॉक पर लेके जाती थी. मेरे पास कबीर के अलावा करने के लिए कुछ भी नहीं होता था. नाउ गाइज, अगर आप मेरा चैनल नूर की बर्थ से फॉलो कर रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि नूर की बर्थ के बाद से ही मैंने कोई ब्रेक लिया ही नहीं है. यू नो, प्रैक्टिकली वीडियोज हैव बीन कमिंग आउट एंड हम कॉन्स्टेंटली स्केड्यूल के अकॉर्डिंगली वीडियोज डाल रहे हैं. इनफैक्ट हमने वीडियोज बढ़ा दिए हैं विद द व्लॉग्स ऑल्सो. एंड अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब चैनल देर आर अदर वर्क स्ट्रीम्स ऑल्सो दैट वी हैव. हमारा अपना काम है तो हम वो भी कर रहे हैं. सो प्रैक्टिकली मुझे कोई मटर्निटी ब्रेक ही नहीं मिला है. सो यू नो, नाउ जब नूर सोती है फिर कबीर है, जब कबीर भी मुझे टाइम नहीं डिमांड कर रहा है तो काम है, जब काम करके भी खत्म हो गए हो तो लगता है यार अब अपना रेस्ट कर ले. सो बेसिकली व्हेन इज द टाइम टू टेक अ ब्रेक एंड फोकस ऑन योरसेल्फ. तो ये मुझे एक बड़ा मेजर डिफरेंस फील हुआ कि अब मेरे पास बिल्कुल टाइम ही नहीं है, विच इज माई फोर्थ पॉइंट ऑल्सो, दैट आई हैव नो टाइम. लाइक प्रैक्टिकली आई हैव नो टाइम. जब मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिलता भी है तब मैं इतना थक जाती हूँ कि मुझे लगता है यार माई ब्रेन इज जस्ट नॉट वर्किंग. एंड मेरे में वो एनर्जी नहीं होता कि मैं उठूँ और बोलूँ नहीं मैं वॉक पे जाती हूँ या मैं जिम जाती हूँ, यू नो, या मैं योगा करती हूँ, मैं कुछ अपने लिए करती हूँ. सो आई थिंक दैट पुश मैं अपने आप को इस बार नहीं कर पा रही हूँ. एंड द फिफ्थ पॉइंट इज फ्लेक्सिबिलिटी. सो कबीर के टाइम पे क्या था कि कबीर एक रूटीन में बहुत जल्दी आ गया था, तो मुझे पता था कि वो किस टाइम पे अपनी नैप्स लेता है, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं अपना प्लान बनाती थी कि इस टाइम पे मैं ये करूँगी. बट अभी क्या है कि विद 2 kids, विद वर्क एंड यू नो विद अदर थिंग्स, आई मीन आई हैव नो फ्लेक्सिबिलिटी व्हेन इट कम्स टू कि मुझे अब अपने लिए ये करना है. यू नो, एज सिंपल एज एक योगा सेशन ज्वाइन करना, या इस टाइम पे मैं वॉक पे जाने का मुझे मन है, मेरे में प्रॉपर एनर्जी है, मुझे खाना खाए हुए 2 घंटे हो गए हैं वो करना, या फिर यू नो मैं जिम जाऊंगी इस टाइम पे ये करना, ये मैं कर ही नहीं पाती हूँ बिकॉज देर इज नो सेट पैटर्न. एंड आई थिंक दैट इज अ बिग बिग डिफरेंस. तो ये 5 differences मैंने अपने फर्स्ट और सेकेंड टाइम में ऑब्जर्व करे, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि काफी चैलेंजिंग रहा है मेरा वेट लूज करना, और आगे भी चैलेंजिंग रहेगा बिकॉज ये सब कंटिन्यूड रहेगा मेरे साथ. यू नो, आई हैव टू वर्क, आई हैव टू डेडिकेट माई सेल्फ टू द 2 kids, एंड यू नो इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट आई ऑब्वियसली हैव फैमिली सपोर्ट, बट आई काइंड ऑफ आई एम अ फिनिकी मॉम. आई लाइक टू बी इन्वॉल्व इन स्मॉल लिटिल थिंग्स. मुझे ऐसे लगता है कि बेबीज के लिए शुरू का जो 1-1.5 साल होता है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है. उस टाइम पे अगर आप फोकस थोड़ा सा हटा दो तो यू नो थिंग्स कैन गो रॉन्ग. आई एम नॉट समबडी हु कैन बी वेरी डिपेंडेंट ऑन मेड्स टू हैंडल माई किड्स. आई टेक हेल्प फ्रॉम द मेड्स फॉर द अदर थिंग्स, बट देन व्हेन इट कम्स टू माई किड्स आई वॉन्ट टू बी द वन यू नो डूइंग द बेसिक टास्क. इट कम्स टू कबीर, मुझे ऐसे लगता है वेन आई हैव दैट टाइम ऑल्सो कि यार चलो नूर सो गई है, आई कैन गो फॉर अ वॉक, एंड देन आई लुक एट कबीर और मुझे लगता है नो यार आई शुड स्पेंड टाइम विद हिम बिकॉज ही इज ऑल्सो ऑफ अ एज एंड ही इज ऑल्सो ऑफ अ स्टेज वेर ही कैन सी दैट मॉम हमेशा नूर के साथ इन्वॉल्व होती है. सो यू नो ऑल्दो ही डजंट से बट आई नो ही फील्स इट. तो मुझे वहाँ पे गिल्ट आ जाती है, दैट मॉम गिल्ट आ जाती है कि नहीं अब मुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए. और ऐसे करते करते रात हो जाती है और मेरा दिन खत्म हो जाता है और मेरे प्लान्स फेल हो जाते हैं. सो नन द लेस आई होप दैट दिस इज गोइंग टू हैपन बिकॉज आई एम क्वाइट कमिटेड टूवर्ड्स इट. आई नो देर विल बी रोड ब्लॉक्स बट दैट्स वेन यू नीड अ कोच, यू नो, बिकॉज वॉट द कोच कैन डू इज दे कैन रियली पुश यू कि आप आज क्या खा रहे हो, आपने आज क्या किया, नहीं आप उठ के जाओ. एंड बिप्लब के साथ यू नो द गुड थिंग इज दैट ही इज फ्लेक्सिबल, ही अंडरस्टैंड्स बिकॉज ही इज अ फादर हिमसेल्फ, सो ही अंडरस्टैंड्स दैट मदर्स कैसे ऑपरेट करती हैं. सो दैट वेज ही इज फ्लेक्सिबल. कभी मैं वर्कआउट नहीं भी कर पाती हूँ एक सर्टन टाइम पे कि नूर नहीं सोई मैं अभी वर्कआउट नहीं कर पाऊंगी, तो ही गिव्स मी अनदर टाइम स्लॉट एंड ही डज दैट. कभी मेरा जो डाइट है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है तो ही गिव्स मी ऑप्शंस दैट मैं उससे कैसे रिकवर कर सकती हूँ. सो यू नो ही इज फ्लेक्सिबल व्हेन इट कम्स टू ऑल ऑफ दिस. आई होप अगर आपको भी ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो आप इस टॉपिक से रिलेट कर पा रहे होंगे. एंड यू ऑल्सो मस्ट बी नीडिंग अ कोच इन योर लाइफ हु कैन हेल्प यू विद न्यूट्रिशन एंड वर्कआउट एंड गेट बैक टू दैट ड्रीम बॉडी दैट यू वॉन्ट, दैट यू शुड ऑल्सो हैव बिकॉज आई थिंक योर किड्स ऑल्सो अप्रिशिएट यू बींग फिट. अगर आप फिट हो गए तो यू कैन पास ऑन द सेम मैसेज टू योर किड्स, अदरवाइज दे वुड से दैट वाई शुड वी डू सो. सो या यू कैन कॉन्टैक्ट विप्लव, हिज लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, एंड हैप्पी लूजिंग वेट.